उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के मेयर चेयरमैन व अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह के बहिष्कार कर सभी का चेहरा हैरत में डाल दिया। सपा के महानगर अध्यक्ष सुहेब हसन पासा ने कार्यक्रम को भगवा रंग देने पर एतराज जताया। हालिया निकाय चुनाव में मुरादाबाद में भाजपा के विनोद अग्रवाल ने मेयर पद पर जीत हासिल की। वहीं कुल 70 वार्डों में से भाजपा ने 36 वार्डों में चुनाव जीतने में सफल रहे। सपा के भी 16 पार्षद हैं। आज शहर के कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन प्रांगण में शपथ ग्रहण आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का सपा के पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करते हुए शपथ ग्रहण नहीं की। महानगर अध्यक्ष सुहेब हसन पासा ने भाजपा पर कार्यक्रम को भगवा रंग देने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता व एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कार्यक्रम को भगवा रंग देने के आरोप को गलत ठहराया और कहा कि सपा अपनी हार नहीं स्वीकार कर पा रही है। भाजपा ने जीत हासिल की है और ये उनकी सपा की हताशा है। ऐसा है, ये उनका एक बहाना है, ये उनकी हताशा का परिचायक है, द्योतक है। जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने जितने भारी अंतर से विजयश्री प्राप्त की है और इस नगर निगम के इतिहास में 36 अपने पार्षद चुने गए हैं, पूर्ण बहुमत में हैं, 3 पार्षद और समर्थन में आ गए हैं, 39 का अब बोर्ड में यहाँ प्रतिनिधित्व हो गया है, तो मैं समझता हूं कि उनकी हताशा का परिचायक है। रंग से इसका कोई संबंध नहीं है, ताल्लुक नहीं है। उन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए, बहाने के लिए और कोई बहाना नहीं है जी। हार को इस रूप में वह व्यक्त करने के